हाय मेरा नाम है मोहिमन खुरम यूसुफ जी और मेरे गेस्ट हैं डॉक्टर खुरम शौकत यूसुफ जी अलैकुम तो आज मेरा सवाल है कि जो ये फ्यूल प्राइसेस हैं ये काफ़ी महंगी हैं तो हमें सस्ता फ्यूल कैसे मिल सकता है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि हम लोग गाड़ियों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं हमारा चैनल गाड़ियों के बारे में है और आजकल गाड़ी चलाना मुश्किल हो गई है बिकॉज़ अब इसकी वजह से हाई फ्यूल की वजह से हमारी गाड़ियाँ छोटी हो गई हैं पहले जो हमारे वालदेन इतनी बड़ी गाड़ियाँ एंजॉय करते थे और मज़े लेते थे वो हम नहीं ले सकते तो आज मैं इस टॉपिक पे बात करूँगा कि हम सस्ता पेट्रोल जो पर लीटर हम लेते हैं पेट्रोल पे वो कैसे ले सकते हैं और इवन टू यानी जो आज के टाइम में ये पॉसिबल है कि हम सस्ता पेट्रोल ले सकते तो हम सस्ता पेट्रोल कहाँ हम पेट्रोल कहाँ से लेते हैं पेट्रोल हम लेते हैं अरब कंट्रीज से यानी जैसे ये गल्फ की जो कंट्रीज हैं सऊदी अरब है कतर है दुबई है इससे हम पेट्रोल लेते हैं हुँ. और ये पेट्रोल जो है क्रूड ऑयल की सूरत में लेते हैं और ये क्रूड ऑयल जो है तीन नामों से जो पाकिस्तान लेता है पहला है अरब लाइट हुँ. और सेकंड है मरबान और तीसरा है दुबई जो क्रूड ऑयल है जो ये अरब लाइट मरबान और जो दुबई है ये जो है आपका पर लीटर जो लेते हैं उसकी कीमत में इसकी कीमत शामिल होती है और ये हम लेते हैं बैरल्स ऑफ उसमें कि एक बैरल जो है उसमें तकरीबन 159 या 160 सिक्सटी 159. पॉइंट समथिंग यानी आप समझिए एक सौ लीटर होता है यानी एक बैरल में 160 लीटर होता है hmm. और एक बैरल करंटली जो है उसकी कीमत आप यूएस डॉलर में देते हैं आजकल कल 83 यूएस डॉलर का एक बैरल है तो इसकी कीमत स्टेट बैंक अदा करता है स्टेट बैंक में पाकिस्तान जो होता है यूएस डॉलर्स रखता है और पाकिस्तान के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा ये पेट्रोल ख़रीदने में लगता है तो पेट्रोल और चाय और इस तरह की चीज़ें जो हम इम्पोर्ट करते हैं वो आप यूएस डॉलर में पे करते हैं और यूएस डॉलर जो है हमें चूँकि स्टेट बैंक के पास हमेशा कम होता है हमें ब्लैक मार्केट से अक्सर लेना पड़ता है और महंगा ख़रीदना पड़ता है तो हमें यही क्रूड ऑयल और भी महंगा पड़ जाता है तो ये जो आ, वो है आ, क्रूड ऑयल है ये फिर जब आता है ये शिप्स के थ्रू आता है और शिप्स का जो खर्चा है उसके जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है वो भी इस क्रूड ऑयल में शामिल होता है तो समझो कि अगर ये क्रूड ऑयल पाकिस्तान आया शिप के ऊपर आया शिपिंग के चार्जेस हमने पे किए अगर हम इसको लैंड से या फॉर एग्जांपल अगर हम इसको ईरान से ख़रीदें तो हमें शिप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हम इसको ट्रक्स में भी ला सकते हैं टकर में भी ला सकते हैं या हम पाइपलाइन के थ्रू भी ला सकते हैं तो जब ट्रक्स में लेकर आएंगे अगर पेट्रोल पाइपलाइन नहीं है तो ट्रक वालों का जो पाकिस्तानी ट्रक वाले हैं उनका भला होगा यानी ट्रक्स का बिजनेस भी चलेगा जो ड्राइवर उसको चलाने वाले उनको भी नौकरियां मिलेंगी और जॉब्स भी क्रिएट होंगी लेकिन अगर हम जब गल्फ़ कंट्री से ऑयल ख़रीदते हैं तो जो शिपिंग कंपनी है जिसको हम पैसा देते हैं वो शिपिंग कंपनी अमेरिकन प्रेसिडेंट लाइन है आई पी आ, ए पी एल है वो पैसा अमेरिका और जो यूरोपियन ममालिक हैं उनकी शिपिंग कंपनीज को जाता है वो पाकिस्तान के लोगों के जॉब्स नहीं क्रिएट करता वो पैसा और वो प्रॉफिट शिपिंग कंपनीज जो बाहर की हैं वो लेती हैं लेकिन अगर आप ईरान से या रूस से तेल लेंगी तो फिर ट्रक्स अगर उधर से आएंगे तो वो ट्रक्स पाकिस्तानी होंगे उनके ड्राइवर भी पाकिस्तानी होंगे वो कंपनीज भी पाकिस्तानी होंगी तो हम जॉब्स क्रिएट करेंगे हज़ारों जॉब्स क्रिएट करेंगे तो हमें अगर ईरान से या रूस से तेल लें तो हम जॉब्स भी क्रिएट कर सकते हैं हमें वो सस्ता भी पड़ेगा कैसे सस्ता पड़ेगा बिकॉज एक तो वो शिप नहीं यूज़ कर रहा दूसरा वो यूएस डॉलर नहीं लेते बिकॉज ईरान जो है वो ब्रिक करेंसी में भी आपको देने के लिए तैयार है अपनी लोकल करेंसी में भी देने के लिए तैयार है और रशिया भी आपको ब्रिक करेंसी और ब्रिक करेंसी क्या है ये है ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना वाली करेंसी तो हमें अगर हम भी ब्रिक्स में शामिल हो जाए तो हम भी यू डॉलर को अवॉइड करके हमें यही क्रूड ऑयल जो है और भी सस्ता पड़ जाएगा ऑलमोस्ट आधी कीमत तक आएगा जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा पहले मैं आपको ये क्रूड ऑयल के बारे में बताऊंगा फिर मैं और चीज़ें भी जो गवर्नमेंट चार्ज करती हैं उसके बारे में बताता हूं तो ब्रिक करेंसी जो है वो आ, इंडिया भी यूज़ कर रहा है इंडिया में इस वक्त पेट्रोल की प्राइस कम है क्योंकि वो अपनी जो इसमें आए है वो इंडियन रुपी है वो उसको इस्तेमाल करके पेमेंट कर रहा है वो डॉलर यूज़ नहीं कर रहा जब इंडिया कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता जबकि इंडिया अमेरिका का दोस्त भी है उस पर तो कोई सेंक्शंस नहीं लग रही पाकिस्तान पता नहीं क्यों नहीं लेता दूसरा ईरान से लेते हुए शिपिंग कॉस्ट भी कम गायब हो जाती है और आपके अपने लोकल इंडस्ट्री ऑफ ट्रक्स है क्योंकि इस वक्त ट्रक्स जो हैं वो सबसे कम बिक रहे हैं पाकिस्तान में बिकॉज ट्रक्स की कीमतें बढ़ गई हैं मज़दूरी नहीं मिल रही फिर अफ़गान का जो बॉर्डर भी पाकिस्तान ने बंद किया हुआ तो बिल्कुल बिजनेस ठप हुआ हुआ है ये भी खुल जाएगा सही तो इस तरह हमें क्रूड ऑयल सस्ता मिलेगा लेकिन जब आप पेट्रोल जब ये क्रूड ऑयल पाकिस्तान में आता है ये रिफाइनरी में जाता है पोर्ट से या पाइप में जाता है या ट्रक्स में जाता है तो रिफ़ाइनरी में जब ये रिफ़ाइन होता है तो रिफ़ाइनरी भी अपना इसमें प्रॉफिट शामिल करती है तो क्रूड ऑयल फिर रिफाइनरी का प्रॉफिट शामिल हो गया रिफ़ाइन करने का और रिफाइनरी जो है वो पाकिस्तान में वो भी ये पाक अरब और ये पार्को और इस तरह की रिफाइनरी जब इसको ये रिफ़ाइन करती हैं उसके बाद ये फिर थ्रू ट्रक्स जो है ये पेट्रोल पम्प तक पहुंचती है वो ट्रक का ख़र्चा भी इसमें शामिल होता है इसको हम कहते हैं ये, ये ये ख़र्चा भी उस क्रूड ऑयल के उसमें शामिल हो जाता है फिर ये पेट्रोल पम्प तक पहुंचता है लेकिन पेट्रोल पंप तक पहुंचने तक इसमें गवर्नमेंट जो है पर लीटर सिक्सटी पेट्रोल पे चार्ज करती हैं ये नहीं फ्यूल पे और फिफ्टी रुपीज़ डीजल पे चार्ज करती है तो वो क्रूड ऑयल की प्राइस प्लस प्राइस ऑफ ये सिक्सटी रुपीज़ हो गया फिर जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जो ये जो आ, रिफाइनरी करा के बेच रही है, वो भी तकरीबन सात रुपये पर लीटर लेती है तो सात रुपये ये हो गए फिर इसके अलावा जो पेट्रोल के जो पम्प वाले हैं वो भी आठ रुपये पर लीटर लेते हैं तो सात प्लस आठ पंद्रह ये हो गए और सिक्सटी ये हो गए, ये टोटल मिला के सेवेंटी फ़ाइव हो गए तो सेवेंटी फाइव रुपीज़ ये हो गए प्लस क्रूड ऑयल का प्राइस हो गया फिर उसके बाद जो है एक और भी चीज़ होती है उसको कहते हैं आई एफ ई एम आई एफ़ ई एम जो है एक रुपए से लेके कर छः रुपये तक वेरी करता है तो ये क्या चीज़ है फॉर एग्जांपल अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ जो रिफ़ाइनरी तो कराची में है ज़्यादा तो उधर जब ये रिफ़ाइन होता है तो कराची चूँकि नज़दीक है तो उधर तो सस्ता पड़ेगा लेकिन वही जब आप ट्रक में जैसे मैंने कहा उसको पेशावर या गिलगित भेजेंगे तो वो महंगा पड़ेगा तो पेशावर पे आई e या गिलगित में एक रुपया होगा लेकिन कराची में सिक्स होगा तो गवर्नमेंट वो एडजस्ट करने के लिए कि फ्यूल के प्राइस गिल तो और पिशावर और कराची में सेम हो आई एफ एम चार्ज करती है एक से लेके कर छः रुपये तो समझो को पाँच रुपये एवरेज आप लगाएं तो पाँच ये और पिचत्तर वो तो अस्सी रुपये या एटी वन या एटी रुपीज़ हो गए ये तो सीधे सीधे ये लोग ले लेते हैं और उसके साथ आप क्रूड ऑयल के प्राइस ऐड करें तो ये सारा मिला के Uh, जैसे इस वक्त अगर दो uh, सौ uh, का एक लीटर है या 290 का है तो उससे अगर आप ये 80 रुपीज़ माइनस करें तो 210 बन जाता है तो एक्चुअल क्रूड ऑयल की प्राइस 210 है तो उससे रिफ़ाइनरी की जो प्रोसेस का प्राइस निकालें तो समझो आपको दो सौ का uh, पड़ रहा है क्रूड ऑयल ठीक है तो अगर आप ईरान से ये ख़रीदेंगे और, और चूँकि ये दो सौ का जो क्रूड ऑयल है ये यू एस डॉलर पर ख़रीदा जा रहा है और यू डॉलर गवर्नमेंट के पास होता नहीं है स्टेट बैंक हमेशा खाली होता है और हमें कर्जे लेने पड़ते हैं या हम ब्लैक मार्केट से क्योंकि लोगों के पास डॉलर हैं लेकिन स्टेट बैंक के पास नहीं है तो ये हमें दो सौ का पड़ता है लेकिन अगर हमारे पास ये स्टेट बैंक में ये मसला ना हो तो हो सकता है कि ये हमें 180 या 150 रुपए का पड़े लेकिन अगर हम ये ईरान से ख़रीदेंगे और ब्रिक करेंसी में खरीदेंगे तो हमें यही क्रूड ऑयल तकरीबन आधी कीमत का 120 या 150 रुपए का पड़ जाएगा तो हमारी वो पेट्रोल प्राइस जो है अगर आप 100 120 या 150 के साथ 80 लगाएं तो 200 रुपए का लीटर आराम से गवर्नमेंट बेच सकती है यानी ऑलमोस्ट 290 से ये 200 रुपए पे आ जाएगा अगर गवर्नमेंट ये ईरान से लेगी बल्कि हो सकता है एक का भी बेच सके यानी 280 के बजाय सौ रुपये कम पड़ जाएगा हमें तो गवर्नमेंट ये करती नहीं है आ, वो आवाम के मफादा का ख़्याल नहीं करती और यही वजह है कि हमारे जो मोटर्स के लवर्स हैं उनको अच्छी गाड़ियाँ चलाने को नहीं मिल रही हम छोटी गाड़ियों में जो सजू या अच्छे सोसाट को लेकर खुश हो रहे होते हैं क्योंकि फ्यूल प्राइस ज़्यादा है और ग़लत पॉलिसीज़ की वजह से जबकि अल्लाह ने हमें करीब ही हमारी पड़ोसी मुल्क ईरान में भी ऑयल है रशिया से भी और ये लैंड बेस जो है वो काफ़ी सस्ता पड़ेगा और ये एक्चुअली मैंने जो ये कैलकुलेशन की है ये रिसर्च के बाद की है इसमें गलती भी हो सकती है लेकिन रिसर्च के बाद की है तो ये जो क्वेश्चन था आपका भी आंसर हुआ है और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे ये सारे जो मैंने बताए ये आपको पूरा लिख कर भी बताएंगे Uh, ताकि आप ये स्लाइड देख लें तो आई होप uh, मैंने आ, आपके आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये डिफरेंस क्या है यूरो 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 और यूरोवन का बिल्कुल uh, ये जो यूरो स्टैंडर्ड्स हैं एक्चुअली ये यूरो फोर यूरो पाकिस्तान पहले जो ऑयल uh, रिफाइनरी uh, ये जब क्रूड ऑयल रिफाइनरी में आता है तो उसको रिफाइनरी वो करती है तो रिफाइनरी की मशीनरी हमारी बहुत पुरानी थी तो पाकिस्तान के जो ये रिफ़ाइनरीज थे ये थे तो एक पाक अरब और ये सारे जो थे ये बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे थे लेकिन हम आवाम को वो गंदा फ्यूल दे रहे थे जो लेड्स में था और लेड जो था वो कैंसर और मुख्तलिफ बीमारियाँ कॉज कर रहा था और ये लेड क्यों शामिल होता था क्योंकि गाड़ी नॉकिंग करती है जो जब उसमें पेट्रोल डाले ना तो एंटी नॉकिंग एजेंट जो था वो ये लेड था जिसकी वजह से कैंसर्स और ये बड़ी बीमारियां थी तो अब फिर यूरोप में अमेरिका में और एडवांस्ड कंट्रीज़ में उन्होंने फिर यूरो स्टैंडर्ड्स बनाए यूरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तक आ गया अब सेवन चल रहा है दुनिया में तो उसमें ये सारी जो लेड को पहले निकाला फिर उसके बाद जो सल्फ़र कंटेंट था जो आ, उसको डैमेज करता है आपके ई सिस्टम को जंग भी लगाता है इंजन के अंदर उसको ये हटाए इम्प्योरिटीज़ को हटा के जो प्योर फ्यूल है जितना उसका यूरो स्टैंडर्ड ऊपर होगा उतना वो प्योर होगा और उसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं होंगी और वो आपके जो इंजेक्टर्स और जो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन है पहले तो कार्बोरेटर सिस्टम था उसमें हर किस्म का फ्यूल चलता था जैसे मोटरसाइकिल्स के इंजन में भी कार्बोरेटर होते हैं उसमें हर किस्म का फ्यूल चलता है लेकिन जो गाड़ियों में ई सिस्टम आ गए अब तो डीजल ट्रक्स में भी उसमें फिर आपको ज़रा हायर यूरो स्टैंडर्ड वाला फ्यूल डालना चाहिए और ये जो ऑयल कंपनीज थी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और रिफाइनरीज़ थी ये ये रिश्वत देकर गवर्नमेंट को ये स्टैंडर्ड्स को डॉज करते थे और ये हमें वही गंदा लेडिड फ्यूल दे रहे थे अभी तक और ख़ासकर पी एस ओ के पास सबसे पुराने लेकिन अब जो है पाकिस्तान में यूरो स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट हुए हैं लेकिन दिस इज़ नॉट इनफ आ, इनको अल्टीमेटम देना चाहिए बिकॉज़ ये जितना कमा रहे हैं तो वो पैसे बाहर ले जाने के बजाय इन रिफाइनरीज को चाहिए कि ये आ, अच्छी मशीन लेकर कर आएँ और बेटर यूरो स्टैंडर्ड्स दें ताकि लोगों को बीमारियाँ ना हों क्योंकि पाकिस्तान पाँचवा बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से और यहाँ पर ये बहुत बड़ी मार्केट है और अगर ये ये कंपनीज़ नहीं लाती तो गवर्नमेंट को चाहिए कि दूसरे मुल्कों के चाइनीज़ रशिया और इन लोगों की रिफ़ाइनरीज़ को इनवाइट करें कि वो एक अच्छे रिफ़ाइनरीज़ और मशीनरी क्योंकि कंपटीशन जितना बढ़ेगा इतना अच्छा स्टैंडर्ड आएगा और अच्छे यूरो स्टैंडर्ड की वजह से हमारी गाड़ी के जो फ्यूल इंजेक्टर्स हैं वो ख़राब नहीं होंगे क्योंकि जब वो ख़राब होते हैं तो फिर उसको ठीक करने में आपको पूरे दोबारा लेने पड़ते हैं और एक्सपेंसिव होता है पहले यही हुआ था कि अक्सर ये जो टर्बो गाड़ियाँ थीं और जो इंजेक्टर्स थे वो ख़राब हो रहे थे बिकॉज ऑफ द ओल्ड फ्यूल नाउ फ्यूल अभी रिफ़ाइंड हो गए तो इट इज़ बेटर लेकिन स्टिल ये वाला स्टैंडर्ड जो है ये दुनिया से आगे चली गई है इंडिया में बेटर स्टैंडर्ड है पाकिस्तान से सिंगापुर में है पूरे एशिया में है तो हम लोग क्यों नहीं इसको इम्प्लीमेंट कराते और गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके ऊपर जुर्माने लगाएं ये रिफाइनरीज़ पे और ये इम्प्लीमेंट करें तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ख़ुरम शौगत यूसर्जा आपने इतना अच्छा बताया पेट्रोल के बारे में यू आर वेलकम हाँ तो प्लीज़ लाइक और वीडियो और हमें सब्सक्राइब करें ताकि आपको और ऐसी अच्छी वीडियोज़ मिलें हाँ और हमारे तो तीन चैनल हैं इंग्लिश उर्दू और पशतों में पी आई वीकल्स जो है इंग्लिश में भी है ये उर्दू का चैनल है और हमारा पश्तों का भी चैनल है तो हमारे तीन चैनल्स हैं और तीन अगर आपको पशतों में वीडियोस चाहिए या उर्दू में चाहिए तो आप हमारे आ, उन चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं लिंक हमारे इस चैनल के होम पेज पे है तो थैंक यू वेरी मच और खुदा हाफिज़ अल्लाह हाफिज़